जब भी बात रामायण की आती है तो हमारे मन में कुछ ही पात्रों के चित्र आते हैं। सबसे पहले राम, सीता, और जब बात आती है अहंकार की तो रावण और मेघनाथ का नाम आता है। जब बात आती है समर्पण भाव की तो लक्ष्मण और हनुमान जी का नाम याद आता है। जब बात आती है त्याग की तो हमें सिर्फ भरत का नाम याद आता है। और जब बात आती है निर्दयता की तो हमारे मन में केकई का नाम गूंजता है। परंतु इस विस्तृत महाखंड रामायण में इतने अधिक पात्र हैं, इतने अधिक चरित्र हैं, इतने अधिक व्यक्तित्व हैं कि हर किसी पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सिर्फ उन्हीं पात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं जिन्हें हमने टीवी में देखा है या फिर जिनके बारे में रामायण में अत्यधिक बताया गया है। परंतु आज के इस अंक में हम एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, परंतु उनका त्याग, उनका प्रेम, उनका समर्पण कहीं भी सीता, राम, लक्ष्मण या भरत से कम नहीं है। हमने आज तक रामायण को जिस दृष्टिकोण से देखा है उसमें हमें यह पात्र, यह चरित्र बहुत कम ही दिखाई देता है। हमने देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा चरित्र व्यक्तित्व है तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं की उनकी आवश्यकता है और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे सेवा भाव में भी वह समर्पण नहीं रहेगा जो होना चाहिए। उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कई नववधु अपने पति के साथ गुजारती है वह उर्मिला के भाग्य में लिखी ही नहीं गई थी। पतिव्रता स्त्री से जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी पर वह हो न सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक ही वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। यह कोई कल्पना ही कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब परम पूज्य महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी न रोई। पति के लिए वह अपने पिता महाराज जनक के घर भी नहीं गई ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पतिवियोग का कुछ दुख कम हो जाता, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया यह कहते हुए कि जब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ छोड़ना ही अब उसका धर्म है। इसके अलावा एक बात और भी कही जाती है कि 14 वर्षों तक सोती रही थी उर्मिला। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान विवाहित होने के पश्चात भी 14 वर्षों तक न सोया हो और न ही उसने किसी स्त्री का स्पर्श किया हो वही उसको हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने यह जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया है। आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें
निंद्रा देवी को दिया गया वह वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूटेगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। 14 वर्ष तक कोई लगातार कैसे सो सकता है, यह सोचने वाली बात है। परंतु एक औसत आदमी, एक औसत मनुष्य के लिए एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना अत्यधिक होता है। अगर उस पहलू से भी देखा जाए तो हो सकता है कि उर्मिला दोनों के भाग्य का सोना 16 घंटे या 12 घंटे ही सोती हो। बाकी समय में वह अपने गृह कार्य और अपनी माताओं की सेवा करती रही। और इसी बात को काटने के लिए एक बात और हम आपको बताएंगे कि उर्मिला सोती भी रही और बाकी काम कैसे करती रही। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद जब उनका शव राम जी के खेमे में था तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। आशा करता हूँ हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्द